بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Atif in front of you. Welcome back to online lectures. The topic which was under discussion, that is colligative properties. In the previous lecture, we have discussed about elevation of boiling point. And today in this lecture, we will discuss about depression of freezing point. मतलब ये कि जब हम किसी solvent में या किसी solution में non-volatile, non-electrolyte solute add कर देंगे तो उसका freezing point depress हो जाएगा, उसका freezing point पहले से कम हो जाएगा. और this is the same method applied अगर roads के ऊपर जो है snow falling की वजह से स्नो बहुत ज़्यादा जमा हो जाए और आइस में वो कंडेंस हो जाए और उससे वहाँ से वो हटाना चाहते हो, तो सपोज मरी के रोड्स की बात कर लें, वो जल्दी वहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके ऊपर वो क्या करेंगे, NaCl नमक डाल देंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है पहले से कम होगा, पहले ज़ीरो है तो वो ज़ीरो से भी कम हो जाएगा. एज अ रिजल्ट वो नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रीज फॉर्म में नहीं रह सकती होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू लिक्विड और वहाँ से नीचे चली जाएगी. तो इन दिस वे फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस किया जा सकता है एंड इट हैव सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस. जी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की मैं बात करूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी डन बाय यूजिंग बेकमैन्स मेथड. हाँ जी, हमारे पास है बेकमैन्स मेथड बाय यूजिंग विच वी कैन मेजर द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. हम इसको यूज करते हुए फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी डिप्रेशन आ रही है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. और बेकमैन्स मेथड में जो ऑपरेटस यूज होता है इट हैव फॉलोइंग मेजर पार्ट्स. उसमें दिखाया गया है कि एक फ्रीजिंग ट्यूब है, उसे ए से डिनोट किया गया है और उस फ्रीजिंग ट्यूब के साथ है आर्म बी. यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ये फ्रीजिंग ट्यूब और उसके साथ ये साइड आर्म है इसकी लाइक दिस. और हम इसको कहते हैं कि ये फ्रीजिंग ट्यूब ए है और इसका साइड आर्म बी है ये. और फॉर इंट्रोड्यूसिंग ये जो साइड आर्म बी है इट इज़ फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वेट क्वान्टिटी ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट की वेट क्वान्टिटी यहाँ से हम ऐड करेंगे. ठीक है, वेट क्वान्टिटी जैसे ही हम ऐड करेंगे तो वो सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन जो है उसमें सोल्यूट ऐड हो चुका होगा. सोल्यूट ऐड होने के बाद दैट विल शो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अच्छा, फिर हमने इस फ्रीजिंग ट्यूब को जिसे हमने ए से डिनोट किया है, इट कैन कंटेन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट होगा या कोई सॉल्यूशन होगा एंड फिटेड विद अ स्टिरर. इसमें एक स्टिरर प्लेस किया जाएगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको स्टिरर और इसको मजीद डिटेल में भी दिखाऊंगा. अभी यहाँ पे एक अदद स्टिरर को प्लेस किया गया और एक थर्मामीटर भी जिसे हम बेकमैन्स थर्मामीटर कहते हैं ये भी इसमें प्लेस किया गया हुआ है. एंड द ट्यूब ए इज सराउंडेड बाय आउटर लार्जर ट्यूब जिसे सी से डिनोट किया गया है. यहाँ पे एक आउटर लार्जर ट्यूब है, ये इसे यहाँ से डिनोट करता हूँ मैं. यहाँ पर एक आउटर और ये लार्जर ट्यूब है, इसके अंदर इसको सराउंड कर दिया गया है. इट इज प्लेस्ड इन आउटर लार्जर ट्यूब. सी से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज आउटर लार्जर ट्यूब सी, इसको सी कह देते हैं. इन टू विच द फ्रीजिंग ट्यूब इज एडजस्टेड, इसके अंदर फ्रीजिंग ट्यूब को एडजस्ट किया जाएगा. द एयर जैकेट बिटवीन दीज ट्यूब्स हेल्प टू अचीव द स्लोअर एंड मोर यूनिफॉर्म रेट ऑफ कूलिंग. ये ब्लैंकेट ऑफ एयर के तौर पर वर्क कर रही होगी इन दोनों ट्यूब्स के दरमियान में और ये स्लोअर और यूनिफॉर्म कूलिंग प्रोवाइड करेगी इन साइड प्रेजेंट मिक्सचर को. एंड द एंटायर असेंबली इज देन प्लेस्ड इन एन आउटर वेसल कंटेनिंग फ्रीजिंग मिक्सचर. इस पूरे के पूरे ये इनर ट्यूब और फिर आउटर ट्यूब इस पूरे को एक आउटर
जो है फ्रीजिंग मिक्सचर में रख दिया जाएगा, आउटर वेसल में, कोई बीकर हो सकता है या वो बड़ी ट्यूब हो सकती है, उसमें प्लेस किया जाएगा जिसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर रखा जाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर इसमें प्लेस कर दिया जाएगा। तो ये मैंने बताया सबसे पहली चीज़, एपरेटस को मैं डिटेल डिस्कस कर रहा था यहाँ पे, उसी एपरेटस को वापस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या चीज़ है। हमारे पास है एक अदद फ्रीजिंग ट्यूब, ये फ्रीजिंग ट्यूब यहाँ पे जो दिखा दी गई है, रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे फ्रीजिंग ट्यूब दिखाई गई है आपको लाइक दिस। ये इनसाइड है और ये इसे किससे डिनोट किया गया, ए से डिनोट किया गया। ये ए हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग ट्यूब, इसमें जिस सब्सटेंस को हमने फ्रीज करना है उसे प्लेस करेंगे। फिर इसके बाहर मैंने कहा कि इससे बाहर एक आउटर ट्यूब होगी और ये एयर जैकेट का काम कर रही होगी, ये एयर जैकेट का काम कर रही होगी यहाँ पर, क्यों, इन दोनों के बिटवीन वैक्यूम होगा और ये स्लोअर और यूनिफॉर्म कूलिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, स्लोअर एंड यूनिफॉर्म कूलिंग, ये एयर जैकेट है यहाँ पे। अच्छा, इस पूरी असेंबली को और इसके अंदर क्या चीज़ प्लेस की जाएगी, तो बताया गया कि इसके अंदर एक अदर स्टीरर होगा, ये स्टीरर दिखा दिया गया आपको यहाँ पर, और एक अदर थर्मामीटर इसमें प्लेस किया जाएगा। दिस इज थर्मामीटर, ये यहाँ पर थर्मामीटर आ गया। ठीक है, थर्मामीटर इसमें प्लेस कर दिया जाएगा। एंड दिस इज बैकमैन्स थर्मामीटर। बैकमैन्स थर्मामीटर हैव कैपेबिलिटी टू मेजर 0.01 केल्विन टेम्परेचर, मतलब इट इज मच मोर प्रिसाइज। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बैकमैन्स थर्मामीटर की मेजरमेंट कैपेसिटी कितनी है, तो 0.01 केल्विन है इसकी। अच्छा, ये फ्रीजिंग ट्यूब आ गई, ये अंदर वाली, और बाहर ये आउटर ट्यूब आ गई, और इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट प्लेस किया जाएगा, और फिर इसमें फ्रीजिंग मिक्सचर इस पूरे की पूरी असेंबली को कहाँ प्लेस कर दिया जाएगा, एक आउटर वेसल में जिसमें फ्रीजिंग मिक्सचर रखा हुआ होगा। ये कंपोनेंट्स हमने इसके देख लिए, अब वर्किंग की बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। हाँ जी, एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स। सबसे पहली चीज़, वेट क्वान्टिटी ऑफ सॉल्वेंट, वो 20 से 25 ग्राम हो सकती है। उसे हम ट्यूब ए, जो सबसे अंदर वाली ट्यूब है, इसके अंदर हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, वेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन 20 to 25 ग्राम होना चाहिए ये। तो ये प्लेस कर देंगे सॉल्वेंट को इनटू ट्यूब ए, एंड अपरेटस इज सेट, ये कुछ इस तरह से अपरेटस सेट कर दिया जाएगा। द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज इमर्ज इन दिस सॉल्वेंट, ये जो इसका बल्ब है थर्मामीटर का, ये बिल्कुल बॉटम पे ये सॉल्वेंट के अंदर डिप होना चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज मेजर्ड बाय डायरेक्ट कूलिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब इनटू द फ्रीजिंग मिक्सचर। पहले हम इस फ्रीजिंग ट्यूब को डायरेक्ट फ्रीजिंग मिक्सचर में रखेंगे और हम इस सॉल्वेंट जो कि प्योर फॉर्म में है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट मेजर कर लेंगे। ठीक है, और वो फ्रीजिंग पॉइंट को हम T1 कह देंगे। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट मेजर किया, उसे T1 कह देंगे। लेटर, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर द फ्रीजिंग ट्यूब इज देन पुट इन टू द एयर जैकेट, उसके बाद फ्रीजिंग। पहले हमने क्या किया, T1 मेजर कर लिया इनिशियली प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हमने मेजर कर लिया पहले ही। अच्छा, इसे मेजर करने के बाद हमने इस ट्यूब ए को उठाकर एयर जैकेट के अंदर प्लेस कर दिया, जो पहले बताया गया आपको, इस जैकेट में प्लेस कर दिया। अच्छा, इस जैकेट में प्लेस करने के बाद फिर इसे फ्रीजिंग मिक्सचर में रखा गया और साइड आर्म से यहाँ से सॉल्यूट ऐड किया गया। ठीक है, सॉल्यूट को साइड आर्म से इसके अंदर प्लेस कर दिया गया। हाँ जी, फ्रीजिंग ट्यूब इज देन पुट इन टू द एयर जैकेट एंड कोल्ड स्लोली इन दिस वे एक्यूरेट फ्रीजिंग पॉइंट इज डिटरमाइंडेड। एक्यूरेट फ्रीजिंग पॉइंट डिटरमाइंड कर लिया गया एंड नाउ सॉल्वेंट इज रीमेल्टेड। पहले फ्रीज किया, ठीक है, पहले ओपन डायरेक्ट कूलिंग के थ्रू इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद हमने एक्यूरेट जो है फ्रीजिंग पॉइंट मेजर किया बाय पुटिंग इनटू द एयर जैकेट, और एक्यूरेट जो फ्रीजिंग पॉइंट आया उसे हमने T1 से डिनोट कर दिया। उसके बाद सॉल्वेंट को रीमेल्ट कर दिया, रीमेल्ट करने से रिमूविंग द ट्यूब फ्रॉम द बाथ एंड वेट अमाउंट ऑफ 0.2 या फिर 0.3 ग्राम ऑफ
सॉल्यूट इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया फ्रॉम द साइड ट्यूब या साइड आर्म, यहां से सॉल्यूट को ऐड कर दिया गया एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड। और इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट किया गया कि अब नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर किया गया एंड दैट इज T2 से डिनोट कर दिया गया एंड दैट इज T2 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट किया गया और उसे किससे डिनोट कर दिया गया एंड दैट इज T2 हमने ये कह दिया। हमें दो चीज़ें पता चल गई, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट एंड नंबर टू सॉल्यूट को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर हमारे पास बना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। और ये बात ऑब्जर्व होगी कि आफ्टर पुटिंग सॉल्यूट इनटू इट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट हैव बीन डिक्रीज्ड, वो कितना डिक्रीज आया है उसे हमने मेजर करना है एंड दैट कैन बी इजीली मेजर बाय यूजिंग T1 इन T2 डेल्टा TF से डिनोट करेंगे एंड डेल्टा TF जो है दैट कैन बी इजीली डिटरमाइंडेड। डेल्टा TF चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू T2 माइनस T1, इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। ये वैल्यू जैसे ही हमें पता चल जाएगी इसे यूज़ करते हुए हम मोलर मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग KF और डेल्टा TF into 1000 into W2 over W1. W2 is the mass of solute and W1 is the mass of सॉल्वेंट। ये वैल्यूज पुट करेंगे, हमने वेट अमाउंट यूज़ की थी, W2 भी पता है, W1 भी पता है, KF जो हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, वाटर के लिए इसकी वैल्यू 1.86 होती है, ठीक है, तो ये -1.86 हो जाएगी। और ये डेल्टा TF जो है अभी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट किया जा सकता है। तो बेकमैन मेथड एक तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को बताता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को यूज़ करते हुए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं दैट ऑफ मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। जी, आज का लेक्चर यहीं तक ही, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट हाइड्रेशन एंड हाइड्रेट्स। तब तक के लिए इजाज़त, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।